हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैंने एक वीडियो अपलोड की थी अपने चैनल पे, जो थी FGM से रिलेटेड, फीमेल खतना के ऊपर वो वीडियो थी। और वो वीडियो मैंने रिक्वेस्ट पे ही अपलोड की थी। मेरे पास एक फीमेल का कमेंट आया था, मैसेज आया था मेरे इंस्टाग्राम पे, और उन्होंने बताया था कि कैसे उनका खतना बचपन में हुआ था और उससे उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम होती है, जो सुन के मुझे भी काफ़ी बुरा लगा था। और उसके बाद मैंने वो वीडियो बनाई थी। उस वीडियो में मैंने आपको सब कुछ डिटेल में बताया है कि फीमेल खतना क्या होता है, क्यों किया जाता है, किस धर्म में किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है, सब कुछ, इसके पीछे रीज़न क्या होता है, सब कुछ मैंने उस वीडियो में आपको डिटेल में बताया था। फिर भी दो क्वेश्चन जो अगेन एंड अगेन मेरे पास ऑलमोस्ट रेगुलर आते रहते हैं, वो है कि फीमेल खतना क्यों किया जाता है। क्योंकि लोगों के मन में बहुत सारा डाउट होता है कि अगर फीमेल खतना इतना बुरा है, देखिए फीमेल खतना का ना कोई भी बेनिफिट नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है। लड़की को इन्फेक्शन हो सकता है, पेशाब करने में दिक्कत होती है, इनरेगुलर पीरियड्स होते हैं, पीरियड्स में प्रॉब्लम होती है, बच्चा पैदा करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इतनी दिक्कत की बहुत सारी माएँ या बच्चे की डेथ हो जाती है डिलीवरी के टाइम। अगर बच्चे को जन्म देना है तो सी सेक्शन ही एक ऑप्शन होता है। नॉर्मल डिलीवरी में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं और लाइफ टाइम उनको प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ता है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं तो आखिर अपने ही माँ बाप अपनी छोटी सी बच्ची का खतना क्यों करा देते हैं, ये क्वेश्चन सभी के दिमाग में रहता है और लोग अक्सर पूछते भी रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस धर्म में ऐसा होता है, तो ये जो क्वेश्चन है ना वो अलग तरह से पूछा जाता है। एक्चुअली दो तरह के लोग आते हैं कमेंट सेक्शन में। पहले होते हैं हिंदू जो कहते हैं कि मुस्लिम में फीमेल खतना होता है। एक्चुअली खतना से वो लोग इसको जोड़ लेते हैं कि मुस्लिम्स में होता होगा। एंड फिर आते हैं मुस्लिम जो बताते हैं कि हमारे यहाँ तो सिर्फ मेल खतना होता है, फीमेल खतना हमारे यहाँ नहीं होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपके ये दोनों डाउट्स क्लियर कर दूंगी, इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। होप इसके बाद आपके दिमाग में कोई भी सवाल नहीं रह जाएगा फीमेल खतना को लेकर। एंड प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि जिनको भी ये सवाल जिनके भी दिमाग में है उनको इन क्वेश्चंस के आंसर मिल जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि फीमेल खतना होता क्यों है, क्यों किया जाता है। तो पहला तो होता है कि ये रिवाज की तरह किया जाता है, क्योंकि धर्म में ऐसा होता आया है पुराने टाइम से। ये एक प्रथा की तरह चला आ रहा है और सभी माँ बाप अपने बच्चियों का खतना कराते हैं। नेक्स्ट है सोसाइटी का प्रेशर, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है फीमेल खतना का, क्योंकि सोसाइटी का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि सभी माँ बाप अपनी लड़कियों का खतना कराते हैं। अगर उनमें से कुछ लोग नहीं कराएंगे तो उनको सोसाइटी में अलग नज़र से देखा जाएगा, उनकी बेटियों से कोई शादी नहीं करेगा। तो ये सारा जो प्रेशर है, सोसाइटी उन्हें अपनाती नहीं है, इस वजह से भी फीमेल खतना बहुत ज़्यादा हो रहा है। एंड जो नेक्स्ट कारण है वो तो बहुत ज़्यादा अजीब था, और उनके ही समाज के एक इंसान ने मुझे कमेंट में, आप उनका कमेंट मेरे उस वीडियो पे जाके पढ़ भी सकते हैं, उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा कमेंट करके मुझे उसके कारणों के बारे में बताया था। एंड ऑल्सो मैंने उसको चेक किया WHO की साइट पे जाके, तो वो बिल्कुल सही था कि फीमेल खतना एक फीमेल की प्योरिटी के लिए किया जाता है, कि एक लड़की वर्जिन रहे शादी से पहले, इसलिए फीमेल खतना किया जाता है। एक्चुअली फीमेल खतना में क्या होता है कि उसका जो जेनिटाइल होता है, जो उसकी वजाइना होती है, या तो उसमें से क्लाइटोरस को कट कर दिया जाता है, या तो क्लाइटोरस के साथ ऊपरी कुछ भाग को कट किया जाता है, या तो उसको सिल दिया जाता है। तो चार तरह से ये होता है। इसका करने का जो मेन रीज़न होता है वो होता है कि लड़की को सेक्सुअल डिज़ायर्स नहीं होंगी, वो सेक्स करने का उसका मन ही नहीं करेगा, तो फिर वो शादी से पहले किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं होगी एंड अपने हस्बैंड के लिए प्योर होगी, वर्जिन होगी, इसलिए फीमेल खतना को किया जाता है। एंड एक और रीज़न होता है कि जिन लड़कियों का खतना हुआ होता है ना, जो उनके हस्बैंड होते हैं, मतलब कि मेल पार्टनर होते हैं, लड़की का तो मन ही नहीं करेगा सेक्स का, बट जो मेल पार्टनर है ना उसको ज़्यादा प्लीजर मिलता है सेक्स के दौरान। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है फीमेल खतना करने का। अभी आप लोग को समझ आ गया कि फीमेल खतना क्यों किया जाता है। अब मैं बताऊंगी कि किस धर्म के लोग फीमेल खतना करते हैं।
एक्चुअली फीमेल खतना मुस्लिम्स में नहीं होता है, खतना का नाम आता है इसलिए हम इसे मुस्लिम धर्म से जोड़ देते हैं, क्योंकि मुस्लिम्स में खतना होता है तो हम सोचते हैं कि फीमेल खतना भी मुस्लिम्स में ही होता होगा। बट मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि सभी मुस्लिम्स में फीमेल खतना नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ मेल खतना का रिवाज है मुस्लिम्स में। फीमेल खतना जो होता है वो बोहरा कम्युनिटी में होता है, ये एक कम्युनिटी है, एक समुदाय है, छोटा सा होता है, बट इसमें ये प्रैक्टिस की जाती है पुराने टाइम से और अभी भी की जा रही है। सो ये सिर्फ और सिर्फ इस कम्युनिटी के लोग करते हैं, बोहरा कम्युनिटी के लोग करते हैं। बोहरा कम्युनिटी के लोग जो होते हैं वो खुद को मुस्लिम मानते हैं, बट मुस्लिम्स जो होते हैं वो बोहरा कम्युनिटी को अपना हिस्सा नहीं मानते हैं, वो लोग बोलते हैं कि वो मुसलमान नहीं होते हैं। सो फिर ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन है, बट ये सिर्फ बोहरा कम्युनिटी के लोग ही करते हैं, मुस्लिम्स में फीमेल खतना नहीं होता है। आई होप आपका डाउट अब क्लियर हो गया होगा, एंड अगर इस वीडियो से आपके क्वेश्चन का आंसर मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसके अलावा भी कुछ डाउट है तो आप मुझे क्वेश्चन में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।